जब गाय का नाम जुबान पर आता है तो हिंदुओं के लिए ये आस्था का केंद्र बन जाता है। पर इसी आस्था पर कई लोग घात लगाए बैठे होते हैं, तो कुछ लोग गाय को पालने के शौकीन होते हैं, तो कुछ लोग इसे खाने के। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि एक सीसीटीवी फुटेज इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक अकेली गाय को देखते ही एक काले रंग की गाड़ी सुनसान सड़क पर रुकती है। ये गाड़ी इस बात से अनजान थी कि कोई इसे ये कारनामा करते देख भी रहा है। ये पूरा कारनामा सीसीटीवी फुटेज में कैद हो रहा है। इस काले रंग की गाड़ी ने गाय को अकेले देखते ही उसे अपनी छोटी सी कार की डिग्गी में ग्रैब कर लिया। छोटी सी गाड़ी में इन लोगों ने गाय को ऐसे एडजस्ट किया कि जैसे ये लोग इस काम को करने में कितने प्रोफेशनल हैं। सबसे पहले एक नजर इस वीडियो पर डाल लेते हैं, उसके बाद ऐसा क्यों हुआ इस बात की वजह पर नजर डालेंगे। अभी आपने देखा कि किस तरह एक कार में गाय को ले जाया गया। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, ऐसा करने की वजह क्या है, क्या ये गाय की तस्करी का मामला है। खैर, इन सवालों के जवाब तलाशने में उत्तर प्रदेश की सहारन पुलिस का बयान सामने आया है। दरअसल एक आदमी ने ट्वीट कर इस मामले पर आपत्ति जताई थी, जिस पर सहारनपुर पुलिस ने जवाब देते हुए लिखा कि मामले की जाँच की जा रही है। आपको बता दें कि भारत में गोमांस और गाय की तस्करी पूरी तरह से बैन है, लेकिन सवाल ये कि क्या इस कानून का पालन हो रहा है। अब एक नजर गाय तस्करी के आंकड़ों पर। गृह मंत्रालय के मुताबिक साल 2014 और 15 के दौरान बीएसएफ ने 34 गाय तस्करों को मुठभेड़ में मार गिराया। बांग्लादेश के बॉर्डर एरिया से तस्करी करने के लिए ले जा रही 200 से 250 गायों को बीएसएफ रोजाना बरामद करती है। खैर, ये तो गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं, पर ये जो वीडियो वायरल हुआ है ये मामला तस्करी का है या इसकी वजह कोई और है, इसका दावा न्यूज़ नाउ नहीं करता। धन्यवाद।